नमस्कार, इस समय हम कैथल की पुलिस लाइन में हैं और आपको ताज़ा अपडेट दे दें कि अभी सुबह सुबह सीएम मनोहर लाल हैं यहाँ पुलिस लाइन में अचानक पहुंच गए, जिससे प्रशासन और जो भाजपा के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हरकत में आए। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह से सीएम साहब पुलिस लाइन में यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं या जो भाजपा संगठन के या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो जायजा ले रहे हैं सब चीज़ों का। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कैथल में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एकदम से सीएम साहब का कैसे अचानक दौरा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि आज उन्होंने संगठन की मीटिंग है हिसार, वहाँ जाना था तो अचानक मौसम खराब होने की वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका, तो इसलिए यहाँ तक गाड़ी में आए। तो यहाँ से जो हेलीकॉप्टर आया और सीएम साहब को बैठाकर हिसार के लिए चला गया। तो ये थी अब तक की अपडेट। तो आइए, जो भाजपा कार्यकर्ता या जो संगठन के अधिकारी हैं जो सीएम साहब से मिले हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वार्तालाप सीएम से उनकी हुई है। सीएम साहब कैथल पहुंचे थे, क्या प्रायोजन? ये सीएम साहब ने हिसार मीटिंग लेने जाना था तो यहाँ तक वो गाड़ी में आए, आगे वो हेलीकॉप्टर में आपके सामने ही गए हैं, तो आते जाते रुक गए थे, तो रूटीन की बात थी, कोई ये विशेष प्रोग्राम तो था नहीं आज का। क्या बाढ़ग्रस्त एरिया जो है उसका दौरा करेंगे? अब कर तो लिया, पहले भी कर लिया, आगे भी करेंगे, सारी जानकारी भी ले ली और मुआवजा भी जल्दी ही मिल जाएगा। आप लोग मिले थे, क्या कुछ वार्तालाप हुई है? बस यही सामाजिक चर्चाएं हुई हैं पार्टी के बारे में, और ये कहा भी लोगों की सेवा करो, जहां भी किसी को कोई दिक्कत है उनके लिए दवाई पानी भोजन जो भी उचित हो वो पहुंचाओ, यही निर्देश दिए हैं सीएम साहब ने। तो नहीं नहीं, कोई इस्तीफे वाली कोई खास बात नहीं है, वो सब हमारे भाई हैं, अभी उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है, हम जल्दी ही उनको प्यार से समझाएंगे और भाजपा के लिए काम भी करेंगे, सभी हमारे भाई हैं। नहीं, सीएम साहब से तो बात नहीं हो रही, परंतु हमारी उनसे बात लगातार चली हुई है और सारे हमारे भाई हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं, आज से नहीं वर्षों से इकट्ठे हैं, कोई छोटी मोटी गलतफहमी हो जाती है दूर कर लेंगे मिल बैठ के, कल को कोई कार्यक्रम करेगा हम साझा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीएम साहब ने यही, अपने डीसी साहब भी थे, एसपी साहब इनसे बाढ़ कार्य में क्या क्या रात के कार्य चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली है। हिसार मीटिंग में जाना था सीएम साहब को, यहाँ रुक गए थे हेलीकॉप्टर की वजह से, अब अपने चले गए हिसार। दिशा निर्देश दिए हैं सभी ऑफिसरों को भी, पार्टी पदाधिकारियों को भी, भाई अपनी सेवा में लगे रहो बाढ़ रात में, जिसको चारा की दवाई की खाने की जिसकी जी जो जरूरत है उनको पूरा करो सभी का। अचानक रुके थे आज तो आते आते बस। हिसार मीटिंग आज हमारे सारे हरियाणा के मंडल अध्यक्ष होंगी, उसकी मीटिंग लेने के लिए जाना था सीएम साहब ने, इसलिए आते आते यहाँ रुके। देखिए, आज सुबह जैसे ही सीएम साहब यहाँ पहुँचे तो अधिकारी और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, और सीएम साहब यहाँ अचानक एकदम पहुँचे थे क्योंकि इन्होंने, जैसा कि साथियों ने बताया, कि हिसार मीटिंग के अंदर जाना था और वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था, तो सीएम साहब यहाँ तक गाड़ी में आए हैं, उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से आगे मीटिंग के अंदर गए। तो यह जो दौरा था ये अचानक हुआ था। मनीष जी, एक सीधे सीधे आरोप राजपूत समाज के लोगों लगाया कि मनीष कटवाड़ और अशोक भुद्दर, उन्होंने ही पूरा ये प्लान करके। देखिए, ये आरोप सरासर गलत है, राजपूत समाज से हमारा शुरू से ही एक नाता रहा है और राजपूत हमारे बड़े भाई हैं, और जो ये विवाद कुछ लोगों की गलतफहमी के कारण हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं और उनके समाज के जो प्रमुख लोग हैं मिलकर इस विवाद को भी सुलझा लेंगे, और आगे से भी जो हमारा भाईचारा है जो पहले से मजबूत होगा, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और जिस प्रकार के आरोप ये लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, वो हमारे भाई हैं और हमें अगर कोई गलत फहमी है उसको दूर करेंगे और उन्हें मनाने का भी काम किया। हाँ, मुझे अचानक पता लगा अभी सीएम साहब पुलिस लाइन में पहुँचे हैं अभी, तो मैं भागा भागा तुरंत आया, अभी नमस्ते कर लेंगे सीएम साहब से, तो बढ़िया से सीएम साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कैथल के बारे में और बाढ़ग्रस्त एरिया के बारे में, सेवा कार्यों के बारे में, प्रशासन से भी और हम कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली, तो अच्छे से निर्देश भी दिए भाई सभी का सेवा भाव से कार्य करो।